मित्रों, आज के इस वीडियो में हम सूर्यबाला का उपन्यास दीक्षांत पर आधारित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। आइए सूर्यबाला के उपन्यास दीक्षांत पर आधारित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न, दीक्षांत उपन्यास किसने लिखा है? इसका सही उत्तर है सूर्यबाला। अगला प्रश्न, यामिनी कथा यह किसका उपन्यास है? इसका उत्तर है सूर्यबाला। अगला प्रश्न है, शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं ईमानदार अध्यापक की व्यथा का चित्रण सूर्यबाला के किस उपन्यास में हुआ है? इसका उत्तर है दीक्षांत उपन्यास में शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं ईमानदार अध्यापक की व्यथा का चित्रण हुआ है। अगला प्रश्न, दीक्षांत का प्रथम प्रकाशन कब हुआ है? दीक्षांत का प्रकाशन वर्ष है 1992। अगला प्रश्न है, सूर्यबाला के किस उपन्यास में अस्थाई अध्यापक की विडंबना का चित्रण हुआ है? उसका उत्तर है दीक्षांत। दीक्षांत यह उपन्यास कितने भागों में विभाजित है? उत्तर है छह। दीक्षांत यह उपन्यास छह भागों में विभाजित है। दीक्षांत उपन्यास के पहले भाग का शीर्षक क्या है? इसका उत्तर है परिसर। दीक्षांत उपन्यास के पहले भाग का शीर्षक है परिसर। दीक्षांत उपन्यास के अंतिम भाग का शीर्षक क्या है? इसका उत्तर है आलोक बिंदु। दीक्षांत उपन्यास के अंतिम भाग का शीर्षक है आलोक बिंदु। दीक्षांत उपन्यास का नायक कौन है? विद्याभूषण शर्मा दीक्षांत उपन्यास का नायक है। विद्याभूषण शर्मा किस विषय के अध्यापक है? हिंदी। विद्याभूषण शर्मा हिंदी विषय के अध्यापक हैं। कौन सा छात्र विद्याभूषण शर्मा को परेशान करता है? रतन बरुआ। रतन बरुआ यह छात्र विद्याभूषण शर्मा को परेशान करता है। कुंती किसकी पत्नी थी? कुंती विद्याभूषण शर्मा की पत्नी थी। विद्याभूषण शर्मा को कितने बेटे थे? दो। विद्याभूषण शर्मा को दो बेटे थे। दीक्षांत उपन्यास में प्रिंसिपल का नाम क्या है? इसका उत्तर है प्रिंसिपल राजदान। दीक्षांत उपन्यास में प्रिंसिपल का नाम राजदान है। विद्याभूषण शर्मा किस कॉलेज के अस्थाई प्राध्यापक है? उत्तर है बिसारिया कॉलेज। ओवर क्वालिफाइड के नाम पर बार बार किसकी भर्त्सना की जाती है? इसका उत्तर है विद्याभूषण शर्मा। नौकरी से निकालने पर संतुलन बिगड़ने से विद्याभूषण शर्मा कहां गिरते हैं? इसका उत्तर है नाली में। नौकरी से निकालने पर संतुलन बिगड़ने से विद्याभूषण शर्मा नाली में गिरते हैं। किसके दबाव के कारण विद्याभूषण शर्मा को नौकरी से निकाला जाता है? इसका सही उत्तर है एमएलए अर्थात विधायक। किसके दबाव के कारण विद्याभूषण शर्मा को नौकरी से निकाला जाता है? इसका उत्तर है एमएलए। विद्याभूषण शर्मा की जगह किसे नौकरी दी जाती है? इसका उत्तर है एमएलए के भांजे। विद्याभूषण शर्मा की जगह एमएलए के भांजे को नौकरी दी जाती है। दीक्षांत उपन्यास में किसका देहांत होता है? इसका उत्तर है विद्याभूषण शर्मा। कॉलेज के सामने से किसकी शव यात्रा निकलती है? इसका उत्तर है विद्याभूषण शर्मा। कॉलेज के सामने से ही
विद्याभूषण शर्मा की शव यात्रा निकलती है। विद्याभूषण शर्मा सर की मृत्यु के पश्चात उनके बेटे को पढ़ाने की जिम्मेदारी कौन उठाते हैं? इसका उत्तर है विजेंद्र के पिता। एक ईमानदार शिक्षक की त्रासदी का चित्रण सूर्यबाला के किस उपन्यास की विषय वस्तु है? इसका सही उत्तर है दीक्षांत। एक ईमानदार शिक्षक की त्रासदी का चित्रण सूर्यबाला के दीक्षांत उपन्यास की विषय वस्तु है। अस्थाई अध्यापक के साथ साथ पत्नी, दो बेटे तथा बूढ़े माता पिता सभी का आर्थिक दायित्व निभाने के लिए विद्याभूषण शर्मा और कौन सा काम करते हैं? इसका सही उत्तर है विद्याभूषण शर्मा ट्यूशन पढ़ाते हैं। अस्थाई अध्यापक के साथ साथ पत्नी, दो बेटे तथा बूढ़े माता पिता सभी का आर्थिक दायित्व निभाने के लिए विद्याभूषण शर्मा ट्यूशन तक पढ़ाते हैं। तो मित्रों, ये थे दीक्षांत पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। निश्चित रूप से आपने इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को समझ लिया होगा। आप इसी तरह अपने विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम, हिंदी प्रतियोगी परीक्षा, नेट सेट आदि के लिए उपयुक्त वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।